नमस्कार गाइस, दिस इज कृष्णानंद सिंह। नमस्कार गाइस, दिस इज शिल्पा सिंह राजपूत। अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल कृष्णा व्यूज। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ ढाका सिटीस्केप टाइम स्लैब 4K। बहुत मजा आएगा देखने में टाइम स्लैब। देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि उसमें बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाते हैं और बहुत ही अच्छे शॉट्स लिए होंगे 4K में है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हमने काफ़ी सारी वीडियो देख रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर चेकआउट करना। तो गाइस आप बांग्लादेश में हमें कहाँ से देख रहे हो वो भी जरूर कमेंट करके बताना, और जो इस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट ओरिजिनल वीडियो का। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप बांग्लादेश से हैं तो हमने प्रीवियसली भी बहुत सारी वीडियोस पे रिएक्शन किया हुआ है। आप हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट करिए, वीडियो वाले सेक्शन पे जाइए या फिर एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, जाके सारी वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपकी कोई और भी डिमांड है तो आप हमें ईमेल करिए या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हियर वी गो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। रात में और ज्यादा खूबसूरत लगता है ढाका। बादल, ये क्या है? ये कोई गार्डन है, गेस स्टोरी प्लेस लग रहा है मेरे को। हाँ। ये कितना प्यारा है ना आर्किटेक्चर इसका। जबरदस्त काम किया है। ये सब क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है? हिस्ट्री होगा कुछ, ये पार्क के अंदर पूरा हिस्ट्री से रिलेटेड ही है। आर्किटेक्चर देखो इसके यार। वाह, सनसेट व्यू, सूरज डूबता हुआ, अमर ज्योति जैसे लग रहा है मुझे ये। इतनी एयर में भी नहीं बुझ रहा हूँ। ये क्या है? भीड़ भाड़ वाला इलाका। भाई रोड पे इतना कहाँ लोग होते हैं? फिर भी होते हैं जो मार्केट एरिया होता है। ये रेलवे स्टेशन यूनिवर्सिटी टाइप लग रहा है मेरे को, ये ऑफिस लग रहा है। शिप, ये बहुत मजेदार था यार। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। रिवर में इस तरीके का सीन देखने के लिए कम ही मिलता है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। क्लाउड्स देखो ना, वो क्लाउड्स इसमें कुछ स्टोरी है पता है? आई वांट टू नो। ये देखो यार, रात में ढाका बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इतनी सारी लाइटिंग तो ऑब्वियसली, और ग्रीनरी भी भर भर के ही है। ये देखो कितना प्यारा है ये। आई थिंक ये कोई सर्कल या चौक ऐसा कुछ होगा, वहाँ पे ये कर रखा है। सो ब्यूटीफुल। ये रोड्स वहाँ के ऐसी चमकती रहती है या फिर कोई शो के लिए इसको वो किया है कुछ? मुझे नहीं लगता हमेशा ही रहता होगा क्या पता? नहीं, रोड के बीच में लाइटिंग अलग से लगाई है। कितना सही लग रहा है। धीरे धीरे लाइट जल रही है और भी। ये देखो बीच में जैसे हमारे यहाँ सर्कल्स पे होते हैं वैसा ही है, पर इनका अलग थीम है। लोटस लगा रखा है। स्टेडियम, वो फुटबॉल स्टेडियम लग रहा है। वाओ, ब्रिज भी देखो यार,
मुझे लग रहा है ये किसी शो कुछ शो हो रहा है। हाँ ये एक फाउंटेन शो है, एक बंदे ने मुझे वीडियो, ये भी रिसेंटली ओपन हुआ है, रिसेंटली हुआ है या टाइम हो गया होगा, ये देखो। सही है यार, क्या लग रहा है। सही में ऐसा है कि ये लाइट इफेक्ट डाला हुआ है इसमें। जिस भी चैनल से था उनका नाम आया था, बहुत बड़ा नाम था, प्रोनाउंस नहीं कर पाया मैं इसको, और इनके चैनल पे एक ही वीडियो थी, तो परमिशन के लिए इनका मेल भी मुझे नहीं मिल पाया। अगर ये हमारी वीडियोस देख रहे हैं, अगर भाई आपको कोई ऐतराज़ है हमारे रिएक्शन से तो आप हमें कह सकते हैं। वीडियो कैसे लगी? बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, चमक गई मेरी आँखें। बहुत ज़्यादा लाइटिंग थी, बहुत ज़्यादा कलर था, इतना कलरफुल चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। मेरा जो चॉइस है ना वो वाइब्रेंट कलर्स और ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी। जैसे कि इंडिया में दिवाली आप लोगों को मिलेगी देखने के लिए, तो दिवाली के टाइम पर अगर कोई इंडिया आता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा कलरफुल ब्राइट लगेगा देखने में। तो मेरे ख्याल से कहीं ये कोई फेस्टिवल या कोई ओकेजन का टाइम था, या फिर ये जनरली ऐसा रहता है जैसे कि हमारे गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात होता है, सब पूरा गांधीनगर ऐसे ही चमकता है, तो शायद ऐसा कुछ इवेंट होता हो वहाँ पे, शायद इसलिए हो इतनी सारी डेकोरेशन। जो भी है आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, और आप लोग भी अगर हमारी वीडियो एंड तक देखिए तो ज़रूर बताना वो भी, और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगता है वो भी बताना, और सेकंड चीज़ ये भी बताना कि आप लोग हमें कौन सी सिटी कहाँ से देख रहे हो, कौन सी जगह से देख रहे हो, हमें और भी दूसरी दूसरी वीडियोस हमें सजेस्ट करिए, अच्छी वीडियो सजेस्ट करिए, हम और भी कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई है, तो बहुत कुछ ही बचा है अभी तो, सभी बचा हुआ है अभी तो, सब बचा है अभी तो, कम से कम ये समझ लो 500,000 वीडियो आनी बाकी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सजेस्ट करिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, और हमें थोड़ा सा, और अगर आप हमें कोई डिमांड करते हो तो हमें थोड़ा टाइम लगता है उनसे परमिशन लेने, बात करने में कई सारी वीडियो, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस हम चलते हैं, और हमारा एक दूसरा भी चैनल था, आप जरूर उसको भी चेकआउट कर सकते तो हो, हम चलते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, बाय बाय।